यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बद्दी में पूर्व विधायक के भतीजे समेत तीन युवकों पर जानलेवा हमला हुआ है। ये हमला बद्दी के दावत चौक पर हुआ है, जहां तीन गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने पूर्व विधायक के भतीजे पर हमला कर दिया है। पीड़ितों के अनुसार बदमाशों के पास तेज धार हथियार और बंदूकें थी, जिनसे उन्होंने उन पर हमला किया। इसके साथ ही दो गाड़ियों को भी बदमाशों ने तोड़ दिया है। हमले के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हमले का आरोप गैंगस्टर पम्मा और उसके साथियों पर लगा है। वहीं इस हमले में घायल तीनों युवकों को बद्दी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाश की जांच तलाश जारी है। तो विधायक के भतीजे पर हमला किया गया है, इसी के साथ तीन और युवकों पर भी हमला किया गया है और हमले का जो आरोप है वो गैंगस्टर पम्मा पर लगा है। तीन गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे। ये बदमाश तेजधार हथियार से लैस थे और हमले में गंभीर रूप से युवक घायल हो गए हैं, जिनका बद्दी के सरकारी अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो पूर्व विधायक के भतीजे पर हमला हुआ है और इसी के साथ तीन और युवकों पर हमला हुआ है। तो यहाँ पर तीन गाड़ियों में बदमाश सवार होकर आए थे। आज अभी हमारा मेरा अपना खुद का भतीजा और उसके जो दोस्त हैं सूरज वगैरह दावत होटल के आगे डिनर करने के लिए गए, तो एक पम्मा जिसके ऊपर कई मुकदमे नालागढ़ थाना में दर्ज हैं, लगभग 15-20 लड़कों के साथ आके दो गाड़ियों में आए और वहाँ हवाई फायर किए और उसके बाद रौड़ों से इनके ऊपर हमला कर दिया, इनकी गाड़ियाँ तोड़ दी। और नालागढ़ से हमारे संवाददाता जेबी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेबी जी, यहाँ पर पूर्व विधायक के भतीजे पर हमला हुआ है और इसके साथ ही तीन युवकों पर और हमला हुआ है, तो पूरा मामला क्या है? जी कीर्ति, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ है, ये पूरा हमला हुआ है, ये बीती रात का है, जो कि जब रामकुमार चौधरी जो पूर्व विधायक है दून विधानसभा के क्षेत्र थे, उनका जो भतीजा है वो अपने दोस्तों के साथ बद्दी के दावत चौक पर अपनी कार में खड़ा था। उसी दौरान पम्मा गैंगस्टर है, जो कि एक आजकल नामी गैंगस्टर बना हुआ है पम्मा के नाम से, अपने 20-21 दर्जन के करीब जो हमलावर है उनके साथ वहां पर आया। पहले तो उसने बताया जाता है कि फायरिंग की, उसके बाद अंधाधुंध उसके जो गाड़ियां थी दो गाड़ियों पर उनको हमला कर दिया, जिसमें ये चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी का जो भतीजा है उसके साथ तीन अन्य युवक जो उसके साथ उसके दोस्त बैठे हुए थे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका बद्दी के सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। जी कीर्ति, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमलावर है तीन गाड़ियों में आए थे, एक गाड़ी हिमाचल नंबर की है, दो पंजाब नंबर की है। अभी मौका से सभी जो हमलावर है वो भाग चुके हैं। पहले ही जो पम्मा है इसके ऊपर आपराधिक कई मामले दर्ज है, जिसको लेकर अभी पुलिस ने मामला दर्ज करके जो आगामी है जांच शुरू कर दी। आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक औद्योगिक क्षेत्र बद्दी है, अभी अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। जी जेबी सिंह जी, इस वक्त युवकों का क्या हाल है, क्या स्थिति है उनकी? जी, उनका जो युवक है काफी गंभीर चोटें उनको आई हुई है शरीर, फिर अलग अलग जगहों पर जो तेज दाग हथियारों से उनके ऊपर हमला हुआ है उसके कारण बहुत ज्यादा गंभीर घायल है, जिनका बद्दी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो स्थिति है अभी कुछ ही देर पहले हमारी बात हुई थी, उनकी जो हालत है काफी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल जो पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है और दावा कर रही है कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जेबी सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता जेबी सिंह ने तमाम जानकारी दी। पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और नालागढ़ और बद्दी कहीं ना कहीं केंद्र बनता जा रहा है लड़ाई झगड़ों का, क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व विधायक के भतीजे पर भी हमला किया गया, इनके साथ तीन और युवकों पर हमला किया गया है जो इस लड़के के साथ थे। तो हमले में गंभीर रूप से ये युवक घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।